मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। आजकल बरसात के मौसम में कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, स्पेशली स्कूल में जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं। बिकॉज एक बच्चा अगर इन्फेक्टेड हो जाता है तो उससे बाकी बच्चों में इन्फेक्शन फैलने के कारण मतलब जो है चांसेस रहते हैं, बिकॉज क्योंकि ये कंटामिनेटेड डिजीज़ है, फैलती है। ठीक है, अब कंजक्टिवाइटिस होता क्या है? कंजक्टाइवा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक कंजक्टिवाइटिस हम कहते हैं तो उसमें कंजक्टिवाइटिस में कंजक्टाइवा नाम का एक वर्ड आता है। कंजक्टाइवा क्या होता है? ये एक थिन लेयर होती है टिश्यूज़ की हमारे आईलिड्स के अंदर। ठीक है, अब ये कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन की कंडीशन आ जाती है, सूजन आ जाती है किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो उससे क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन पैदा होती है। ठीक है, अब कंजक्टिवाइटिस जब होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में सूजन आ जाती है, आंखों में किरकिरापन जिसको हम कहते हैं, इरिटेशन हो जाती है, ईचिंग होती है। जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तो आँखों से पानी आना, आंखें चिपकने लग जाती हैं, इस तरीके की दिक्कतें हो जाती हैं और आंखें पिंक कलर की हो जाती है, जिसकी वजह से इसको पिंक आई भी कहते हैं। हिंदी में इसको आँख आना भी कहते हैं, कि कई बार कहते हैं कि आँख आ जाती है, आँखों में मतलब लालपन हो जाना, आँखें चिपचिपी हो जाना। ठीक है, अब क्या होता है कि कंजक्टिवाइटिस जब होता है तो आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं। आप अपने बच्चों को बताएं कि एक दूसरे का हैंकी शेयर ना करें। जब स्कूल में बच्चे जाते हैं, छोटे बच्चे स्पेशली, तो क्या करते हैं कि कभी कभी खेल खेल में एक दूसरे का हैंकी यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक ने अपना रुमाल अपनी आँखों को पोंछा तो दूसरा उसको यूज़ कर लेता है, तो इस तरीके की शेयरिंग्स नहीं करनी है। बिकॉज जिस आँख में कंजक्टिवाइटिस है, अगर आपने उस आँख में कोई रुमाल या कपड़ा लगाया है तो वो कपड़ा या रुमाल आपको अपनी दूसरी आँख में नहीं लगाना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो कंजक्टिवाइटिस के टाइम पे ब्लैक गॉगल्स पहनते हैं, गॉगल्स यूज़ करते हैं, उन गॉगल्स को आपस में शेयर नहीं करना है। ठीक है, जैसे स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, अगर वो कंजक्टिवाइटिस से सफ़र कर रहे हैं और वो गॉगल्स लगा के आ रहे हैं तो क्या करना है, उनको आपस में गॉगल्स शेयर नहीं करना है, नहीं तो वो इन्फेक्शन एक से दूसरे को हो जाएगा और इससे कंजक्टिवाइटिस फैल सकता है। ठीक है, दूसरा पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, सफाई का। आपको क्या करना है, अपनी आँखों को खाली पानी से दिन भर में धोते रहना है। स्पेशली पानी जो है आपका ठंडा होना चाहिए, मतलब नॉर्मल लुकवॉर्म वाटर होना चाहिए, गर्म पानी से नहीं धोना है। ठीक है, तो नॉर्मल पानी से आपको अपनी आँखें धोते रहनी है, सफाई रखनी है। आप जो कपड़ा या तौलिया यूज़ कर रहे हैं अपनी आईज़ के लिए वो धुला हुआ क्लीन होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो है खाने पीने की साफ़ सुथरी चीज़ लेनी है। आप अपने आँखों में या मुँह में जो हाथ लगाते हैं, हाथों को अच्छे से धोएं। पर्सनल हाइजीन का मतलब आपको हैंड वॉश प्रॉपरली करना है, तभी अपनी आँखों को छूना है। दूसरी बात, अपनी आँखों को बार बार मसलना या रगड़ना नहीं है। ठीक है, अब मैंने बताया कि आँखों को जो आप एक आँख में यूज़ कर रहे हैं कपड़ा, वो दूसरी आँख में जो आपकी हल्दी आई है उसमें यूज़ नहीं करना है। सुबह उठकर क्या करना है, जैसे सुबह जो कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट होते हैं वो मॉर्निंग में जब उठते हैं तो उनकी आँखें चिपचिपी होती हैं, आँखें चिपक जाती हैं, वो छूटती नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक जिलेटिनियस जो है डिस्चार्ज होता है इसलिए। तो जब आप सुबह बच्चा आपका उठ रहा है, आँख चिपक गई है या कोई भी है, तो बड़े तो ये है कि अपना फेस वॉश कर सकते हैं जाके ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से धो धो के साफ कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनको घबरा जाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक छोटी कटोरी में पानी लेना है, साफ़ सुथरा पानी लेके उसमें साफ़ कॉटन या फिर जो आपका कॉटन का हैंकी होता है वो लेके उसको भिगा लें और हल्का सा निचोड़ के आँखों को धीरे 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 साफ करें। जब धीरे धीरे साफ़ करेंगे तो जो इसके चारों तरफ गंदगी होगी वो साफ़ हो जाएगी और आँख प्रॉपरली बच्चे की खुल जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अब कंजक्टिवाइटिस जब फैलता है तो लोग घबरा जाते हैं कि क्या करें, स्पेशली बच्चों की कंडीशन में। बिकॉज क्या होता है कि इसके साथ साथ बच्चों को सर्दी, जुकाम, बुखार, ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं। तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है कंजक्टिवाइटिस के। पहले ही जो मेडिसिन है वो है एकोनाइट। एकोनाइट जो मेडिसिन होती है वो कंजक्टिवाइटिस के लिए बहुत अच्छी दवाई होती है। इसमें क्या है, अगर आंखें लाल हो गई हैं और सूजन आ गई है आँखों में, और आँखों में उसके साथ साथ दर्द हो रहा है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, और उसमें क्या होता है, आँखें जो होती हैं ड्राई लगती हैं, ड्राइनेस ऑफ आई हो गया है, तो
उसमें जो है एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन, एकोनाइट 30 आप बच्चों की पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं बच्चों में, और जो बड़े लोग हैं वहाँ पे 200 आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इज एपिस मेलिफिका 200 या 30। बच्चों की कंडीशन में आप 30 से पोटेंसी स्टार्ट करें, बड़े लोग हैं 200 ले सकते हैं, मगर बिना डॉक्टर की परामर्श के आपको दवाइयाँ नहीं लेनी है, ठीक है। तो एपिस मेलिफिका भी बहुत अच्छी दवाई है कंजक्टिवाइटिस के लिए। इसमें क्या होता है कि आंखें लाल हो जाती हैं, सूजन आ जाती है, और जो आईज जो होंगी आपकी वो एकदम से पलट जाएंगी, ठीक है, एवर्टेड हो जाएंगी, एवर्टेड आईलिड्स हो जाएंगी, और उसमें जलन होगी, स्टिंगिंग पेन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और पेन अराउंड ऑर्बिट्स, जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो सॉकेट्स होते हैं, उसके चारों तरफ पेन होता है, गोले जो आपका गोला है उसके दोनों चारों तरफ पेन होगा, ठीक है। और अवर्जन टू लाइट, मतलब लाइट से उसको बहुत दिक्कत होगी, पेशेंट को आंखों में लाइट पड़ेगी तो वो एकदम से अपना मुंह छिपा लेगा, इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी, आंखों में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मतलब सूजन होगी, और पस डिस्चार्ज हो सकता है, एपिस के इसमें क्या होता है कि पस फॉर्मेशन, मतलब पीला पीला डिस्चार्ज होगा आंखों से, ठीक है। तो इसमें एपिस मेलिफिका बहुत अच्छी दवाई है। थर्ड मेडिसिन इज यूफ्रेशिया भी बहुत अच्छी दवाई है कंजक्टिवाइटिस के लिए। इसमें क्या होता है, आंखों में सूजन आ जाएगी, उसके साथ साथ जलन होती है आईलिड्स में, और इसमें क्या होता है, पनगेंट डिस्चार्ज होता है आईज से, ठीक है, जैसे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और स्टिकी पनगेंट मतलब स्टिकी म्यूकस, मैंने कहा चिपक जाती है आंखें, तो उससे क्या होगा, तो आपको उसमें क्या होगा, आंखों से स्टिकी म्यूकस होगा, ठीक है, और क्या होगा कि उससे आंखें, जब बच्चा पेशेंट जब उठेगा सुबह तो उसकी आंखें चिपक जाएंगी, खुलेंगी नहीं, तो वहां पर क्या करना, मैंने बताया कि पानी लेके कॉटन से या फिर रुमाल से आपको साफ करना है, ठीक है। दूसरी बात, आंखों से लगातार पानी बहता रहेगा यूफ्रेशिया में, ठीक है, यूफ्रेशिया के क्या आंखों से वाटर डिस्चार्ज लगातार होता रहता है, ठीक है। आंखें जो होती हैं, जो आईज होंगी, वो जब हम रिमूव करेंगे तो उसमें गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, ठीक है, और सूजन आ जाएगी आंखों में, और बस्टिंग टाइप ऑफ हेडेक, आंखों के साथ साथ सिर में दर्द भी पेशेंट के होगा, तो वहाँ पे यूफ्रेशिया। बेलाडोना एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस मतलब जो थोड़े समय के लिए हुआ है, जैसे आज हुआ, कल परसों तक, 2-3 दिन ही अगर हुए हैं, तो वहाँ पर बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहाँ पे क्या होता है कि एक तो जो पेशेंट का फेस होगा वो फेस भी सूज जाएगा, मतलब स्वेलिंग आ जाएगी फेस में, और फ्लज्ड मतलब गर्मी जैसी निकलेगी, ठीक है, डायलेटेड पीपल्स हो जाएंगे, और थ्रोविंग पेन होगा, जब पेशेंट लेटेगा तो आंखों में ज़्यादा थ्रोविंग पेन होगा, ऐसा लगता है धप धप जैसे आंखों में दर्द होगा, आंखें लाल हो जाएंगी, और ड्राई आईज हो जाएंगी, तो वहाँ पर बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है। बेलाडोना 30 हम बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, एंड 200 जो है बड़े जो हैं पेशेंट उनमें हम 200 पोटेंसी दे सकते हैं। बेलाडोना जनरली हम दे सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ एक्यूट मेडिसिन, ठीक है, एक्यूट कंडीशन में जो वो उतनी मेडिसिन जो है नुकसान नहीं करती हैं। जो डीप एक्टिंग मेडिसिंस होती हैं उनका इस्तेमाल बिना डॉक्टर के पूछे आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर आपके ऊपर प्रूविंग भी हो सकती है, बिकॉज आपने गलत दवाई ले ली, कहते हैं ना। अच्छा हाँ, ये चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि होम्योपैथिक मेडिसिंस के लिए कहा जाता है कि ये नुकसान नहीं करती हैं, बिकॉज ये बिल्कुल नुकसान नहीं करती है, अच्छी बात है, मगर इन होम्योपैथिक मेडिसिंस की कुछ कैटेगरीज होती हैं। एक होती है एक्यूट मेडिसिंस, जो कि अगर हम देते हैं तो उतना ज़्यादा इफेक्ट बॉडी पर नहीं पड़ता है, डेवलप नुकसान नहीं करती है, ठीक तो हो जाते हैं। कुछ डीप एक्टिंग मेडिसिंस होती हैं जैसे ग्रेफाइटिस, ये सब हिपरसल, इन दवाइयों को बिना डॉक्टर के पूछे आपको नहीं लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये मेडिसिन डीप एक्टिंग होती है, आपकी बॉडी में जाके अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है और आपने बाई चांस गलत दवाई ले ली तो ये मेडिसिन आपकी बॉडी पे प्रूव हो सकती है, मतलब आपके मेडिसिन से डिजीज़, जिस डिजीज़ के लिए आप ले रहे हैं और गलती से वो डिजीज़ आपको नहीं है तो वो डिजीज़ आपकी बॉडी में पैदा कर सकती है, तो इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए सोच समझ के दवाइयाँ लेनी चाहिए, ठीक है। हिपरसल भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कंजक्टिवाइटिस की, ठीक है, इसको जो है हैनीमैन्स कैल्शियम सल्फाइड भी कहा जाता है, इसका कॉमन नेम है, ठीक है, हैनीमैन ने इसको किया था। तो इसके में सिम्टम्स क्या आएंगे हिपरसल के, जैसे आंखों में जो आयरिस होती है उसमें सूजन आ जाएगी, ठीक है, अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया हो जाएगा, मतलब अल्सर बन जाएंगे कॉर्निया में, यहाँ पे बहुत कंडीशंस ख़राब हो सकती हैं, ठीक है, रेड एंड इन्फ्लामेशन आईलिड्स हो जाएगा, आंखों में जो सूजन आ जाती है उसके साथ साथ पस डिस्चार्ज होगा, पस फॉर्मेशन येलो डिस्चार्ज होने लग जाएगा, ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा कि विजन जो होगा ब्लर्ड होगा, पेशेंट को साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, उसके साथ क्या होगा कि उसको लगेगा कि आंखों से साफ दिखाई नहीं देता। दूसरा, एक सीइंग ब्राइट सर्कल इन फ्रंट ऑफ द आई, उसे लगेगा कि आंखों के सामने एक
गोला जैसा दिखाई देगा चमकता हुआ, ठीक है। इस तरीके के सिम्टम्स आएंगे हिपरसल के पेशेंट में। तो हिपरसल भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, मगर कंडीशंस बस्ट होती है तब उसको देते हैं। मगर इसके लिए आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि वाकई में इस पेशेंट की हिपरसल मेडिसिन है या नहीं। उसके बाद पल्सेटिला आती है। पल्सेटिला 200 या बच्चों में अगर आप दे रहे हैं तो 30 में पोटेंसी दीजिए, ठीक है। पल्सेटिला का कॉमन नेम होता है विंड फ्लावर, पल्सेटिला का, ठीक है। अब इसको जब हम देते हैं तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इन द आईज, ठीक है। आंखों से जो है म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोफ्यूज लेक्राइमेशन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आंसू जैसे निकलते रहते हैं। थिक एंड येलो डिस्चार्ज होता है आईज से, ठीक है। थिक होगा, गाढ़ा और येलो कलर का डिस्चार्ज होगा पल्स के पेशेंट के। कंजक्टिवाइटिस अकंपेनिड बाय इनडाइजेशन। अब पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ क्या दिक्कत होगी, इनडाइजेशन की दिक्कत भी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, कॉजिंग डिस्कम्फर्ट इन द अपर एब्डोमेन, ठीक है। उसको ऊपर जो पेट का एरिया होता है वहाँ पर जो अपर एब्डोमेन में क्या डिस्कम्फर्ट जैसा फील होगा, मतलब भारीपन जैसा, कॉन्स्टिपेशन या फिर इनडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आंखों में क्या दिक्कत होगी, ईचिंग एंड बर्निंग होगी। मतलब अगर आपकी कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ इनडाइजेशन की कंडीशन आ रही है पेशेंट में, तो आप वहाँ पे पल्सेटिला उसको दे सकते हैं। दूसरा सिम्टम क्या था, येलो एंड थिक डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो वहाँ पे पल्स ही उसको देनी है। और उसके साथ साथ नॉर्मल सिम्टम तो ये सभी के अंदर है, ईचिंग एंड बर्निंग इन आईज, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा जो पल्स की पेशेंट होती है उसकी स्टाई, कहते हैं ना आँख में दाना जैसा निकल आता है, तो स्टाई का सिम्टम भी हो सकता है उसके अंदर कि आँख में दाना निकल आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड्स, जो कि सारे कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट के अंदर है, तो वो हो गया। तो पल्सेटिला बेस्ट मेडिसिन है कंजक्टिवाइटिस के लिए। मर्क्यूरियस सॉल्विलस, मर्क सॉल, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। इसमें क्या होता है कि ग्रीन एंड ब्लड लाइक डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द आई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डिस्चार्ज को आपको पहचानना है, ठीक है। जैसे हिपरसल्फ है उसमें भी येलो कलर का पस फॉर्मेशन जैसा होगा, पल्सेटिला का आपको थिक येलो डिस्चार्ज होगा, इसी तरीके से मर्क सॉल में ग्रीन ब्लड लाइक डिस्चार्ज होगा आई से, और उसके साथ साथ आंखों में सूजन दर्द होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसके साथ साथ होगा, ठीक है। पेशेंट में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, उसके साथ साथ पेशेंट को बुखार आएगा, ठंड लगेगी, ठीक है। और इस तरीके से उसको लगेगा कि उसकी आंखों के सामने फ्लोटिंग ब्लैक स्पॉट्स हैं, मतलब ऐसे 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 करके काले काले धब्बे तैर रहे हैं, इस तरीके के उसको सिम्टम दिखाई देगा, मतलब पेशेंट को इस तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मर्क सॉल देनी है। साइलिशिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कंजक्टिवाइटिस के लिए। कंजक्टिवाइटिस सिम्टम क्या आएंगे साइलिशिया में, कोल्ड हैंड एंड फीट। साइलिशिया का जो पेशेंट होगा उसके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। थिक येलो एंड क्रस्टी डिस्चार्ज होगा, जम जाता है ना जैसे परत जैसी, जैसे आपने मछली की स्किन देखी होगी ना, उस टाइप से जो डिस्चार्ज होगा वो बिल्कुल जमा जमा जैसा स्टिकी, सॉरी क्रिस्टी टाइप होगा, ठीक है। स्वेलिंग होगी, ठीक है, और क्या नाम है, इचिंग होगी, अल्सरेशन हो जाएगा कॉर्निया में, एवर्जन ऑफ डे लाइट, दिन की जो रोशनी है, सूरज की रोशनी है, उससे पेशेंट को दिक्कत होगी, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने बताया साइलिशिया का सबसे मेन सिम्टम हाथ पैर ठंडे जैसे हो जाना, ठंडे हो जाएंगे पेशेंट के हाथ पैर रहेंगे, वो कहेगा मेरे पेशेंट कहेगा मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हैं, तो वहाँ पर जो है साइलिशिया 30 मेडिसिन आप दे सकते हैं। सल्फर 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कंजक्टिवाइटिस के लिए। इसमें क्या होगा, इनएबिलिटी टू स्टैंड कंफर्टेबली, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी ऐसी आएगी, पेशेंट जो है अच्छे से कंफर्टेबल तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा, डिसलाइक ऑफ वाटर, पानी बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगेगा, नहाना उसको अच्छा नहीं लगेगा, आँखों में जलन होगी, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस में येलो बर्निंग डिस्चार्ज होगा उसके आंखों से, जो सल्फर का पेशेंट होगा आंखें लाल हो जाएंगी, आईलिड्स भी बिल्कुल रेड हो जाती हैं, ठीक है। वाइट फ्लेक्स ऑन द आई लैशेज, जो आंखें होंगी उसके जो आई लैशेज होते हैं उसमें सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है। अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास और उसकी आईलिड्स जो ये सॉरी ये जो होते हैं आई लैशेज सफ़ेद 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 जैसे आपके सिर में रूसी हो जाती है, उसी तरीके से फ्लैक्स जो है उसके ऊपर जमा होते हैं, तो आप वहाँ पर सल्फर रिकमेंड करेंगे पेशेंट को, ठीक है। उसके साथ ईचिंग होती है, स्केलिंग जैसी दिखाई देती है, ठीक है। ऑफेंसिव ब्रीथ, सांस जो कि बदबूदार होगी उसकी, पेशेंट की स्मेल आएगी, उसको कहेगा मेरे से लगेगा कि उसकी सांसों में बदबू आ रही है। इरेटेबिलिटी, डिस्प्रेशन, मेंटली भी डिप्रेस्ड होगा और इरिटेबल होगा, ठीक है।
इस तरीके की दिक्कत होंगी, तो वहाँ पर आप सल्फर जो है पेशेंट को रिकमेंड करेंगे, और सल्फर 30 से आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पेशेंट को, अगर बड़ा पेशेंट है तो 30 के बाद अगर उसको रिलीफ मिलता है तो उसको आप कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को पहले रिलीफ मिल रहा है फिर थोड़ा सा कम हो रहा है तो वहाँ पर आप 200 पेशेंट को दे सकते हैं, मगर ये बड़ों के लिए है। और 30 पेशेंट से आप बच्चे को देंगे। बच्चों को देने का एक तरीका होता है, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, 3 साल के हैं, 3 साल से कम हैं, तो आपको ओनली, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो आपको क्या करें, मदर को रिकमेंड करनी है मेडिसिन, और मदर को आप एक डोज दे के पेशेंट को, और मदर से कहेंगे कि 15-10 मिनट के अंदर बच्चे को फीड करा दें, तो बच्चे को उससे रिलीफ मिल जाए। अगर आपका बच्चा बड़ा है 5 साल से, तो आपको बच्चे को 1 ड्रॉप एक चम्मच में आप पानी लेंगे, उसमें 1 ड्रॉप टपका के बच्चे को पिला देंगे, तो उससे बच्चा ठीक हो जाएगा। ओनली 1 डोज आपको मेडिसिन की देनी है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स देखना है मेडिसिन का। ये नहीं कि आप देते रहे दिन में 2-3 बार दे रही, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो बच्चे को रिलीफ नहीं होगा। अगर रिलीफ होता भी है तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, ओनली 1 डोज, सिंगल डोज पेशेंट को देनी है, और थोड़ा सा वेट करना है कि पेशेंट को कितना रिलीफ हो रहा है। उसके बाद आप पोटेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं, डोज को आप बढ़ा या घटा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको नई नई जानकारियां चाहिए तो उसके लिए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।